तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं RRR मूवी के कुछ मिस्टेक्स के बारे में। वैसे अगर आपने मूवी देख ली होगी तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मैंने मूवी देख ली है, उसके अंदर दोस्तों VFX बहुत तगड़े हैं, लेकिन एक आधी जगह दोस्तों कुछ एडिटिंग बहुत अजीब सी लगेगी। जैसे दोस्तों इस सीन के अंदर आप देख सकते हो कि रामचरण और जूनियर NTR इन दोनों ने दोस्तों रस्सी पकड़ी हुई है और रामचरण झंडा जो है उसको पकड़ा रहे हैं NTR को, और NTR के हाथ में दोस्तों झंडा और रस्सी दोनों ही आ जाती है। लेकिन दोस्तों इस रस्सी को आप ध्यान से देखो, इन्होंने रस्सी पकड़ी हुई है, झंडा पकड़ा हुआ है, ये बात दोस्तों कंफर्म ही नहीं होती। ये दोस्तों सारा कमाल है VFX का। और अगला सीन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर दोस्तों रामचरण भैया यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी तेज मुक्के मार रहे हैं, मुक्के इतनी तेज मार रहे हैं और जो पंचिंग बैग है वो 2-3 बार हिल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अपना यहाँ पर सुपरमैन पंच मारते हैं, जो रोमन रेंज मारता है, ये वाला मुक्का लगते है दोस्तों आप देख सकते हो पंचिंग बैग हिला ही नहीं, बिल्कुल फट गया। फटने के बाद भी दोस्तों थोड़ा सा तो हिलना चाहिए था। और तीसरा सीन दोस्तों आपने यहाँ पर देखा ही होगा जिसने भी दोस्तों RRR मूवी देखी है, जैसे दोस्तों रामचरण आग के अंदर से अपना तीर निकालते हैं तो तीर के पीछे तो कोई बंदा दिखता नहीं, लेकिन दोस्तों जैसे ही तीर कवर कर जाता है मतलब पास कर जाता है तो उसी टाइम दोस्तों रामचरण दिखने लग जाते हैं। बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो बाइक यूज करी गई है वो कोई बुलेट बाइक नहीं है, वो दोस्तों 1902 में लॉन्च होने वाली वेलोसिटी बाइक है, उस टाइम की बाइक है। अब दोस्तों इस सीन के अंदर भी एक बहुत तगड़ी मिस्टेक हो रखी है। इस बाइक के अंदर आप देख सकते हो नंबर साफ साफ लिखा हुआ है DL5079, लेकिन दोस्तों जैसे ये सीन बैक साइड से दिखाया जाता है सेम बाइक का तो इसका नंबर बदल चुका होता है, जो कि दोस्तों हो चुका होता है DL1030। और अगला सीन दोस्तों सबसे लास्ट सीन आप देख सकते होगे, वैसे दोस्तों बीच में आता है ये, कि रामचरण जो है सबके ऊपर लाठी चार्ज करता है और लाठी चार्ज के वक्त दोस्तों इस लाठी को ध्यान से देखो, लाठी दोस्तों रबड़ की है, रबड़ की तरह फ्लक्चुएट कर रही है, ना कि दोस्तों ओरिजिनल लाठी है। और इतने सारे लोगों में से दोस्तों क्या एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने रामचरण को कवर कराओ। बाकी दोस्तों फिल्म बहुत कसौती है, फिल्म के अंदर शुरुआत में आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रा चलती है कि वो बंदा अलग है, वो बंदा अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है, लेकिन आखिर में दोस्तों दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। बाकी आप लोगों ने क्या चीज़ नोटिस करी ये बात कमेंट करके जरूर बताना।